अस्सलाम वालेकुम, आप सबको तीसरा रोजा बहुत बहुत मुबारक हो और रमजान भी बहुत ज्यादा मुबारक हो। मम्मा देखते देखते 3 रोजे हो गए, आई कांट बिलीव इट। देखते देखते ईद भी आ जाएगी। हाँ, बहुत जल्दी रमजान गुजरते हैं और ये तो इबादतों का महीना है, तो इसमें एग्जैक्टली तो आप इबादत करके ज्यादा से ज्यादा और हर इबादत करनी चीज चाहिए। अल्लाह का कलाम ज्यादा से ज्यादा पढ़े तो उसमें टाइम इतनी जल्दी गुजरता है और इतना दिल को सुकून मिलता है कि आप बहुत अच्छे लगते हैं। रमजान मेरा बस चले तो मैं कहती पूरे साल रमजान हो और बहुत ही मजा है। पर खैर, ये एक महीना है जो इबादतों का है, मैं बहुत सारी दुआएं सबके लिए करनी चाहिए। गुनाहों की सबसे ज्यादा माफी मांगनी चाहिए। हमें नहीं पता हम कदम कदम पे गुनाह कर रहे होते हैं, हमें अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन हमें हर वक्त गुनाहों की अपनी माफी मांगती रहनी चाहिए। और जितना अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी में नवाजा है उसके लिए शुक्र अदा करना चाहिए। एक शुक्र अदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, गुनाहों की माफी मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जितना कुछ नवाजा है, शायद उतना थैंक यू मैं ना कर पाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। आजकल इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि बंदे को मेहनत करनी ही नहीं पड़ती है, बस चुटकी बजाओ सब तैयार हो जाता है। जैसे रोटी पकाने वाली मशीन, मशीन याद है बिल्कुल बीच में कितना ट्रेंड चला था उसका कि अभी भी, झटपट रोटी अभी तैयार। भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं वो मशीन। मुझे लगता है मेरे फ्यूचर में वो इस्तेमाल होगी। रविका आप बेफिक्र हो, आपका ससुराल में ना कोई मशीन दे देंगे ताकि रोटी पकाना आसान हो। हाँ, मगर क्या जरूरत है, छोड़ो तुम बाजार से मंगवाना। अम्मा हर वक्त बाजार की अच्छी नहीं होती ना, कोई बात नहीं, वो रबीका खान तो मंगा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड टू बी को घर की रोटियां पसंद हुई तो आप उनसे बोलिएगा भाई मुझे किचन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उन्होंने हमारी वीडियोस देख ली तो ना वो तो बस जाहिर सी बात है, वो तो करने के लिए तो करना ही पड़ता है ना। अच्छा, ऐसी बातें सुन के ना मेरे जो फैंस है ना उनके दिल में लड्डू फूटने लगते हैं, तो ऐसी बातें कम किया करें। जब रबी का ये शादी होगी तो आप सबको पहले से पता चल ही जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब एक कहते हैं ना सहरे के फूल खिलने वाले होते हैं तो वो अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद हो जाता है, इस्बाब बन जाता है और हो जाती है।